मोदी जी, थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहां से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाए थे बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहाँ से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े, तो इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, चार बार बोल रहे हैं। नहीं नहीं, गर्व ये, ये 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 मजबूरी है जी। क्या है, परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, ये उनका मूल कैरेक्टर है, इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर्स के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है, बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनका, कुछ बचेगा ही नहीं जी।